हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई आप लेके आइए दिवाली क्रैकर्स 3500 रुपए का। तो भाई आज हम लेके आए हैं यहाँ पे क्रैकर्स, हमारे पास 3500 रुपए के क्रैकर्स है। तो भाई इनकी आपको प्राइस बताएंगे, इनकी पूरी डिटेल और इनकी टेस्टिंग भी इसी वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। तो भाई वीडियो होने वाली है काफी धमाकेदार, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। काफी लोग पहले कमेंट करते हैं भाई कि आप टेस्टिंग वीडियो बनाते हो तो उसमें यार आप क्रैकर्स की प्राइस नहीं बताते, तो भाई वीडियो काफी बड़ी हो जाती। लेकिन अब से मैं आपको इनकी प्राइस बताऊंगा, साथ इनकी टेस्टिंग में आज आपको करके दिखाने वाला। तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास कौन से क्रैकर्स हैं, उसके बाद में इनके सभी की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे देखने को मिलता है कोक ब्रांड की, यहां पर ये सुपरस्टार रॉकेट भाई। तो भाई एक बार देखिए कितनी बड़ी है साइज में ये सुपरस्टार रॉकेट भाई, कोक ब्रांड की सुपरस्टार रॉकेट है भाई, हम लेके आए हैं 300 रुपए में। और भाई इसकी जो पिज्जा की डंडी होती है एक बार देखिए भाई कितनी मजबूत है भाई, काफी मजबूत है ये डंडी भाई रॉकेट की, और ऊपर लगा हुआ है ये शेल, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलती है। 300 रुपए में ये हम लेके आए हैं, तो इसे रखते हैं साइड में, इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है ये रेड स्पार्कल, ये देखिए भाई साइज देखिए एक बार, अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार की ये रेड स्पार्कल। तो भाई निकालते हैं बाहर, सभी को निकाल लेते हैं और दिखाते हैं आपको। ओ भाई काफी हैवी है दोस्तों ये स्पार्कल, और भाई इनकी साइज देखिए एक बार, जलाने के बाद में पता चलेगा कितनी देर जलती है। और इनके पीछे ये पकड़ने के लिए होता है, यह भी काफी मजबूत है ये देखिए। तो भाई टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलती है भाई, इसका पैकेट हम लेके आए हैं 220 रुपए में, और टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलती है। तो इसे रखते हैं साइड में, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इस कार्टून के अंदर है और भी क्रैकर्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखने के लिए मिलती है इसके अंदर भाई डिलक्स की ये जमीन चक्कर, ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार की है भाई ये जमीन चक्कर। तो भाई कुछ इस प्रकार की है भाई, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलती है। ये हम लेके आए हैं 60 रुपए में, तो भाई टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार जलता है। तो भाई उसके बाद में हमारे पास एक और है जमीन चक्कर जो की है मरकरी की, और भाई अंदर से दिखाते हैं किस प्रकार की ये मरकरी की जमीन चक्कर है, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलती है। तो भाई कुछ इस प्रकार की है भाई, ये हम लेके आए हैं 80 रुपए में, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलती है। तो भाई इन दोनों की कंपेयर में देखेंगे कौन सी अच्छी जलती है, और इसे भी रखते हैं नीचे। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है लव डोज भाई, कुछ इस प्रकार का ये लव डोज भाई, स्कैनर दिया हुआ है, स्कैन भी करके देख सकते हैं। अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार का ये लव डोज है भाई, तो यहाँ पर है इसका फ्यूज और ऊपर से है पूरा पैक भाई। और चलिए इसे खोल के देख लेते हैं किस प्रकार का इसके अंदर देखने के मिलता है भाई। इसके अंदर है ये कुछ क्रैकर्स, यहाँ पे ये देखिए 3-3-6 इसके अंदर क्रैकर्स भाई, जला के देखेंगे किस प्रकार ये जलेंगे। यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है भाई, ये हम लेके आए हैं 160 रुपए में, और देखेंगे दोस्तों टेस्टिंग करके किस प्रकार ये जलता है। तो भाई इसे रखते हैं साइड में भाई, 160 रुपए में हम ले गए हैं। उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये पूजा का स्काई शॉट भाई, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का पूजा का ये स्काई शॉट देखने के लिए मिलता है हमें, और टेस्टिंग करके देखें किस प्रकार ये जलता है। तो भाई कुछ इस प्रकार का ये स्काई शॉट है, तो ये देखिए टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये चलेगा। तो भाई ये हम लेके आए हैं 120 रुपए में, तो भाई दो पीस है इसके अंदर 120 रुपए में हम लेके आए। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये पूजा का स्काई शॉट जलता है। तो दोस्तों इसे रखते हैं नीचे, 120 रुपए में हम लेके आए, दो पीस इसके अंदर देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो दोस्तों बच्चे पीछे क्रिकेट जला रहे हैं, उसकी वॉइस आ रही है, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कोर्नेशन का ये पंच अवतार। तो भाई अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार का ये पंच अवतार है, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलेगा। तो कुछ इस प्रकार का ये पंच अवतार देखने के लिए मिलता है भाई, ये हम ले गए हैं 125 रुपए में। तो भाई कुछ इस प्रकार का ये कॉर्नेशन का ये हमें स्काई शॉट देखने के लिए मिलता है भाई, इसके करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे किस प्रकार ये जलता है भाई। इनमें अलग अलग कलर दिया हुआ है, ये देखिए रेड है, ग्रीन है, येलो है, और भाई अलग अलग कलर यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है, स्काई है और पिंक है भाई। इसे रखते हैं साइड में, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हमारे पास है यहाँ पर भाई ये पबजी गन, ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार की ये पबजी गन है। तो भाई दो पबजी गन इसके अंदर है, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे रखते हैं नीचे। तो कुछ इस प्रकार की पबजी गन देखने के लिए मिलती है भाई, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये चलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे है इसका फ्यूज, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पबजी रेड फ्लैश गन भाई, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार इसके अंदर हमें इन्फेक्ट देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से भाई इसमें रेड कलर का इन्फेक्ट देखने के लिए हमें मिलेगा। तो भाई दो इसके अंदर गन है, और ये हम लेके आए हैं 240 रुपए में भाई, दो गन है, और देखेंगे कितनी देर ये जलेगी, टेस्टिंग हम करके देखेंगे भाई। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये
धोनी का भाई सूत लिबम है भाई, अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार का इसके अंदर सूत लिबम है भाई। ये देखिए इसे रखते हैं हम नीचे तो भाई, ये देखिए कुछ इस प्रकार का इसके अंदर हमें सूत लिबम देखने के लिए मिलता है। टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार इसका दिमाग होता है। तो भाई इसका हम डब्बा लेके आए हैं, ये पूरा का पूरा बॉक्स हम लेके आए हैं 85 रुपए का, और भाई टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलेगा, हमारा देखेंगे कि किस प्रकार ये धोने का ये सूत लिबम करता है भाई। तो भाई उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कोक ब्रांड की ये विशल वाली रॉकेट भाई, मिनी विशल रॉकेट है, और आपको अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार की मिनी विशल रॉकेट है भाई। कुछ इस प्रकार की ये विशल देखने के लिए मिलती है भाई, ये देखिए। तो निकाल लेते हैं एक और करेंगे इसकी टेस्टिंग, देखेंगे किस प्रकार ये जलेगी। तो भाई कुछ इस प्रकार की देखने के लिए मिलती है विशल करेंगे जलाने के बाद में, तो टेस्टिंग करने के बाद में पता चलेगा। तो भाई इसका पैकेट हम लेके आए हैं 120 रुपए में, तो भाई टेस्टिंग करके देखेंगे। कोक ब्रांड का काफी महंगा आता है यार, आइटम कौन सा भी देख लीजिए इतनी छोटी है लेकिन उसके लगे हैं 120। इसे रखते हैं नीचे, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास 300 की बिजली लेडी भाई, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की है। तो भाई चलिए खोल लेते हैं इसे, दिखा देते हैं आपको अंदर से किस प्रकार का ये देखने के लिए मिलता है, और करेंगे इसकी टेस्टिंग और देखेंगे किस प्रकार ये जलती है। तो खोल लिया है भाई इसे हमने, और ये देखिए इसके अंदर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर ये राउंड 300 का। और तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार की बिजली, बाहर नहीं निकालेंगे भाई, बाहर निकालेंगे तो ये बिखर जाएगी, और इसकी आपको करके दिखाएंगे टेस्टिंग भाई। तो इसे करते हैं फिर से बैक, तो भाई खाली ग्राउंड है वहाँ पर हम इन सभी की टेस्टिंग आपको करके दिखाएंगे। तो भाई ये हम लेके आए हैं 180 रुपये में, तो भाई इसे रखते हैं साइड में 180 रुपये में दोस्तों। ये हम लेके आए हैं 300 की ये बिजली लड़ी। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये विशल कलर फोक बॉल भाई, अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार की ये विशल कलर फोक बॉल है भाई। तो इसके अंदर दो पीस हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक को हम नीचे रख देते हैं और मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से येलो कलर इसमें देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे बार येलो कलर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो जलाने के बाद में पता चलेगा किस प्रकार का इसके अंदर इन्फेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास दो बॉल है भाई, देखेंगे कितनी देर ये चलेगी भाई, एक की हम टेस्टिंग करके देखेंगे। इसका डब्बा हम लेके आए हैं 105 रुपये में, टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये चलेगा। इसे रखते हैं नीचे, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है यहाँ पर चिटपुट भाई, ये देखिए इसकी करेंगे टेस्टिंग भाई। खोलने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा किस प्रकार की इसके अंदर चिटपुट है भाई, इसके अंदर चटपटर। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस प्रकार की इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो भाई एक डब्बा निकाल ही लेते हैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, और भाई खोलते हैं इसे। चलिए खुल गया, दिखाते हैं आपको कुछ इस प्रकार की इसके अंदर सीट पुट देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलेगी। तो भाई इसका राउंड हमें पड़ा है करीब 140 रुपये में, तो भाई 5 पीस है इसके अंदर, टेस्टिंग करके देखेंगे इनकी भी और देखेंगे किस प्रकार ये जलते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है विलियम्स का कलर गोटी अनार भाई, तो भाई कुछ इस प्रकार का ये अनार है, इसकी करेंगे टेस्टिंग, देखेंगे किस प्रकार ये जलता है भाई। ये देखिए साइज तो इसकी ठीक ठाक है भाई, टेस्टिंग करेंगे और फिर पता चलेगा किस प्रकार ये जलता है। तो दोस्तों इसका डब्बा हमारे पड़ा है 230 रुपये में, तो इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलता है भाई। इसे भी रखते हैं नीचे, रंग बिरंगी इसके अंदर अनार है, तो नीचे रख देते हैं इसे भी। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है अनिल का आइटम बम, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये आइटम बम है, आपको पता होगा किस प्रकार का इसके अंदर आइटम बम देखने के लिए मिलता है। लेकिन खोल के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी डायरेक्टली आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। इसे रखते हैं नीचे, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वनीता का स्काई जेल, ये देखिए दोस्तों बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये स्काई जेल है भाई, इसकी करेंगे टेस्टिंग, देखेंगे किस प्रकार ये जलता है। तो भाई इसका बॉक्स हम लेके आए हैं 200 रुपये में, तो भाई इसे रख देते हैं फिर से अंदर और इसके करेंगे अब टेस्टिंग। इसे रखते हैं नीचे, तो भाई 200 रुपये में हम लेके आए हैं स्काई जेल, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर टर्की की ये बिजली लड, तो भाई इसके अंदर है 50 पीस, तो भाई ये हम लेके आए हैं 400 रुपये में। तो भाई ये देखिए इसके करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे किस प्रकार ये जलता है। तो आखिर में हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिलती है यहाँ पर और स्पार्कल जो की है
नॉर्मल साइज की। इसके अंदर है 50-50 जो कि है रेड एंड ग्रीन स्पार्कल। तो भाई दोनों की टेस्टिंग करके देखेंगे, इसके अंदर देखने को मिलेगी रेड और ग्रीन स्पार्कल। टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये चलेगी। तो भाई इसका ये बॉक्स हम देखें 120 रुपए में 5 पीस इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, नॉर्मल साइज है भाई। और देखेंगे इन सभी की टेस्टिंग करके। तो भाई सबसे पहले यार आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो ऐसे धमाकेदार टेस्टिंग वीडियो और भी लेके आएंगे, एक्सपेरिमेंट वीडियो भी लेके आएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे और भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो भाई चलिए इन सभी की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ किया गया है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश ना करें। तो चलिए भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे कोस ब्रांड की है मिनी रॉकेट भाई, इसके करते हैं टेस्टिंग, देखते हैं किस प्रकार इसके अंदर से विसल निकलती है और किस प्रकार ये जलती है। ऑसम, काफी शानदार जली है भाई ये, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना भाई। चलिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो अब हमारे पास है यहाँ पर ये जमीन चकर, नेक्स्ट का ये जमीन चकर भाई, इसके करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं ये किस प्रकार जलता है। ओ भाई थोड़ी देर जला यार ये, तो इतना खास नहीं चला। तो चलिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बारी है यहाँ पर कंपेरिटर ने, ये मर्करी का जमीन चक्कर अच्छा चलता है, ये डिलक्स का। देखते हैं भाई, निकालते हैं इसके अंदर से एक जमीन चक्कर और भाई कुछ किस प्रकार का, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों इसकी भी टेस्टिंग करके देखते हैं और देखते हैं कौन सा जमीन चक्कर बढ़िया चलता है। तो भाई अब भाई यहाँ पर हमारे पास नीलम्स के इस कलर कोटी अनार की भाई, इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं भाई ये किस प्रकार जलता है। तो भाई चलिए इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ओ भाई यहाँ पे आखिर में यहाँ पे इसके अंदर से निकले हैं उस तारे टाइप में भाई, काफी शानदार था ये देखिए। ओपी भाई आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को तो काफी यार अच्छा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो भाई इतनी देर हो गई धमाका नहीं हुआ, चलिए धमाका करके देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पर ये धोनी का सूतली पंप भाई, इसके करेंगे टेस्टिंग और देखते हैं किस प्रकार ये धमाका करता है। भाई ओपी काफी अच्छा चला ये सूतली पंप भाई, ये देखिए। तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा ये सूतली पंप। तो चलिए नेक्स्ट क्रिकेट की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो भाई लोग धमाका हो गया, अब बारी है स्मोक की। तो हमारे पास है यहाँ पर ये विशाल कलर फोक बॉल भाई, इसकी करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे किस प्रकार ये जलता है। कुछ इस प्रकार की इसके अंदर ये फोक की बॉल देखने के लिए हमें मिलती है। हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर है दो, लेकिन इस एक की टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार ये जलता है। चलिए इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वही यहाँ पे ये जल चुकी है। और भाई ये देखिए इसके अंदर से निकल रहा है येलो स्मोक। ओपी भाई काफी शानदार लग रहा है देखने में, ये देख रही है, ये देखिए भाई रात है फिर भी यहाँ पे ये देखिए येलो कलर एकदम साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर से भाई, काफी शानदार है ये भाई। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना भाई। और बॉल की हालत में आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार की हो चुकी है, ये देखिए काफी शानदार चली है ये विसल वाली स्मोक बॉल। और भाई आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट करके करके टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों धमाका हो गया, स्मोक हो गया, लेकिन बारी नहीं आई स्काई शॉट की। तो भाई हमारे पास है यहाँ पे पंच अवतार कोऑर्डिनेशन का ये पंच अवतार भाई, इसके करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे भाई किस प्रकार ये चलता है। तो चलिए भाई इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ओपी भाई काफी शानदार जला है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन का पंच अवतार, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं।
तो भाई एक बार फिर से धमाका करते हैं। हमारे पास है यहाँ पर अनिल का आइटम बम भाई, इसके अंदर से एक हम अनिल बम निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। काफी शानदार चली है ये बिजली, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए भाई नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास है यहाँ पर ये वनिता का ये स्काई जेल भाई, ये देखिए। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसमें से अभी एक निकाल लेते हैं और भाई इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई किस प्रकार ये जलता है। तो एक निकाल लेता हूं मैं, तो भाई ये लीजिए। चलिए इसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं किस प्रकार ये जलता है। ये लीजिए। ओपी भाई, भाई यहाँ पे पास में जाना भाई, कौन सा भी क्रैकर कभी फट सकता है, क्या पता कोई क्रैकर रह जाए। कोई ये देखिए भाई पास में जाना, ऑसम भाई काफी ज्यादा चली है यहाँ पे ये 300 की बिजली लड़ी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना भाई। चलिए नेक्स्ट क्रैकर टेस्टिंग करके देखते हैं, मेरे को तो काफी अच्छी लगी है। दोस्तों अब हमारे पास है एक यूनिक सा क्रैकर जो की है यार यहाँ पे लाउडोस भाई, तो इसकी करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे भाई किस प्रकार ये जलता है। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले निकाल लेते हैं बाहर और लगाते हैं इसकी आग। ओपी भाई काफी शानदार लगा मुझे तो ये लव डोज भाई, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना भाई, काफी शानदार है भाई ये देखिए यहाँ पे एक नंबर भाई एक नंबर। तो दोस्तों इसके अंदर तो ये छह यहाँ पे चटरपट काफी अच्छे चले भाई, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भाई बताना और चलिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास है यहाँ पर ये भाई शिट पिट भाई, इसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं भाई किस प्रकार ये जलता है। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओ ऑसम भाई, तो भाई ठीक ठाक जली है। चलिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो भाई लोग फिर से हमारे पास यहाँ पर एक यूनिक सा क्रैकर जो कि है यहाँ पे पबजी गन भाई, इसके करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं ये किस प्रकार जलता है। तो भाई आग लगा, ओके भाई, तो रेड कलर इसमें देखने के लिए मिल रहा है भाई, ये देखिए काफी शानदार ये जल रही है दोस्तों। ओके भाई, ये देखिए दोस्तों काफी देर जली है ये देखिए दोस्तों। तो भाई अब बारी है यहाँ पे 50-50 रेड एंड ग्रीन स्पार्कल की, इसकी करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे भाई ये किस प्रकार चलेगी। तो भाई इसके अंदर यहाँ पे है 3 ग्रीन और 2 रेड, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 2 ग्रीन और 2 रेड, जलाते हैं इसे। तो भाई आना इधर आना, एक रेड ले ले तू भी, इधर ला पास में ला, पहले तेरे यहाँ पे जला देता हूँ, थोड़ा साइड में ले ले इसे, लेस कर ले इसे, दोनों जगह ले,
टच कर लेते हैं फ्रॉम तरफ देखो खराब हो गया अभी। ओके भाई ऑसम भाई यहाँ पे तो ये देखिए ये जल रही है रेड और ये जल रही है ग्रीन और काफ़ी अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन दिया भाई रेड एंड ग्रीन का काफ़ी अच्छी लगी भाई ये भाई जैसे वेल्डिंग हो रही है ये देखिए भाई एकदम ऐसे मतलब इसके साथ ये चिपचा रही है भाई वेल्डिंग हो रही है ऑसम भाई ये देखिए भाई दूर छोड़ा नाइस भाई ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है मेल्ट भाई और यहाँ पे वेल्डिंग की तरह हो चुकी है ये और ये गिर जाएगी भाई नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी ये देखिए वेल्डिंग हो चुकी है भाई ये और ये भी खत्म हो चुकी है स्पार्कल इसके हो चुकी है वेल्डिंग भाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को तो काफी अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने कोक की छोटी साइज की मिनी रॉकेट की टेस्टिंग की और बड़ी साइज की टेस्टिंग करके देखते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे इतनी बड़ी रॉकेट कोक ब्रांड की ये रॉकेट है भाई इसकी करेंगे टेस्टिंग और देखते हैं ये किस प्रकार चलती है और ऊपर जाके कैसा हमें इनफेक्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं तो चलिए दोस्तों अब बारी है यहाँ पे हमारे पास पूजा का स्टार शॉट इसकी करते हैं टेस्टिंग और भाई देखते हैं किस प्रकार ये जलता है। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ओपी भाई इसके अंदर ग्रीन इन्फेक्ट हमें देखने के लिए मिला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना भाई काफी शानदार लगा मेरे को तो भाई चाहिए नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग करके देखते हैं। आखिर में बारी हमारे पास यहां पे कोक ब्रांड की स्पार्कल की जो कि रेड स्पार्कल है भाई तो बिग साइज है इसकी भाई इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं किस प्रकार ये जलती है और कितनी देर ये जलती है चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बिग स्पार्कल के लगाते हैं आप देखते हैं जलने में कितना समय लगेगी। ओ नाइस भाई ऑसम देखते हैं कितना समय लेती है जलने में काफी समय ले रही है भाई ये तो लगता है वीडियो को स्पीड में लेना होगा Awesome guys। तो दोस्तों मेरे को तो यार ये काफी अच्छी लगी फुलझड़ी दिवाली को तो ये फुलझड़ी होनी चाहिए काफी अच्छी चली है स्पार्कल आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना भाई काफी देर चली है मेरे को काफी अच्छी लगी यार। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो कर दीजिए एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भारत माता की जय।